सत्रकाल मैं हाँ खुशी तुसी वेख लुधियाना टाइम्स जिवें कि सानू पता है कि पंजाब दा 23वां जिला मलेरकोटले नू बना दिता गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों ईद दे मौके मलेरकोटले नू इह तोहफा सी ते नाल ही इक इतिहास भी रच दिता है। ये इतिहास है कि हुण जिहड़ा मलेरकोटला है वह बीबिया के हाथ में सौंप दिता गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि हुण बीबिया मलेरकोटले विच राज करनगियां। तो काफ़ी इतिहासिक दिन भी है क्योंकि आप देखते हैं कि जिहड़ियां धीआं ने साडे पंजाब दीआं उह हर क्षेत्र में अगे वध रहीआं ने, तो यह साबित कर दिता है कि धीआं किसी तो भी घट नहीं ने। तो हुण भी मलेरकोटला जिन्नी भी हाई कमांड है वह धीआं के हाथ में सौंप दी गई है। मलेरकोटला की सियासी रहनुमाई पंजाब कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट और जल सप्लाई मंत्री बीबी रज़िया सुल्ताना के हाथ में दी गई है। तो जेकर आप गल करिए मलेरकोटला जो पहला डिप्टी कमिश्नर है वह भी एक महिला है, तो काफ़ी एक माण वाली गल भी महसूस होंगी है। तो डिप्टी कमिश्नर साढ़े जिहड़े अमृत कौर गिल ने जद इन्हां नाल रज़िया सुल्ताना तो बाकी जिहड़ी धीआं ने जिन्हां नूं हाई कमांड ते मतलब उन्हां दी सियासत ते प्रशासनिक वो एक वर्ग में उतर गईआं ने, तो उस तों बाद उन्हां नूं जद एक तैनाती की गई है उन्होंने, तो उन्होंने जब मीडिया में गलबात की गई तो उन्होंने की कहना सी इस बारे तुसी आप सुनो। खुशी का इजहार तो मलेरकोटला वासियों को पता है कि पहले भी हो चुके हैं, तो आज भी दुगना खुशी का इजहार हो रहा है क्योंकि सारे मलेरकोटला वासियों पता लग चुका है कि मलेरकोटला साडा ज़िला बन गया है। ऑफिसर्स आ चुके ने, अपना काम कार संभाल चुके ने और सारा कुछ जिस तरीके तैयारियां चल रही ने वो सारिया मलेरकोटला आवाम के सामने ने। तो मैं मलेरकोटला आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हाँ कि उन्होंने दी मेहनत सदका, क्योंकि उन्होंने मैनू जिता के भेजा तो मैं अपनी मंग सीएम साहब को रख सकी और सीएम साहब ने साड़ी मंग नू पूरा किया। ये मलेरकोटला आवाम दी ते मेरे हल्के दी लोगों की मेहनत है जिन्होंने मैनू जताया और मेरे दिल दे विच ख्वाहिश पैदा की और मेरे दिल मैनू हिम्मत आई, हौसला दिता। तो उहदे नाल मैं सीएम साहब नाल गल करन तो बाद सीएम साहब ने साडी मेहनत नू साडी गल नू साडी जबान नू पूर चाड़िया और उहदे लई असीं सीएम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करदे हां। तो मैं मलेरकोटला दे अपने सारी आवाम का शुक्रिया अदा करदी हां ते उहनां नू मुबारकबाद भी देनी। जिहड़े कहंदे आ कि जिला बनण दे विच 4 साल लगे आ जी, उहनां लोकां नू की जवाब देना चाहोगे? देखे उहनां लोकां नू तां बहाने चाहीदे ने कुछ ना कुछ कि की हो गया की नहीं हो गया, वो शुक्र अदा करन। उन्हां नू तां इह यकीन ही नहीं सी कि ज़िला बनेगा, उन्हां नू तां इह यकीन ही नहीं सी कि मैडिकल कॉलेज बनेगा। अज उन्हां नू इह दस दो जिहड़े बहाने मारदे ने कि ज़िला बन गया तो मैडिकल कॉलेज बन गया और इहदा हुण लुत्फ उठाउण। मैम टारगेट कदों तक दा रख्या गया जिहड़े चाहे प्रबंधकी कंपलैक्स है या जिहड़े होर डिवेलपमेंट वाले काम हैगे, इक टारगेट तां जरूर फिक्स कीता गया होएगा? देखो टारगेट सारा फिक्स हुंदा जदों ज़िला बनदा, ज़िला बनता वह टारगेट अपने आप ही हुंदा। बाकी जड़ा टारगेट है कल असी थोड़ी बहुत ही हले तो शुरुआत हुई है, डीसी साहबान आई हैं तो SSP साहब आई हैं, उन्होंने दोनों ने मेरे नाल सलाह मशवरा सी बैठ के किया हैगा, फिर असी ये रोड मैप तय किया है कि किस किस तरीके दे नाल असी अगे बढ़ना हैगा ताकि साडा जिहड़ा मलेरकोटला है उहदा पता लगे कि हाँ हुण इह ज़िला है। हुण मलेरकोटला खाली एक शहर ही नहीं, शहर के नाल नाल एक ज़िला है। वो असी सारी औरतों के उपर साडे औरतों के उपर सीएम साहब ने खास जिम्मेदारी पाई है, तो इसलिए असी औरतां यही गल कर रही सीगियां कि इहनू असी अपने घर की तरह सजाना है, अपने घर की तरह असी घर के फैमिली मैंबर बन के काम करना है ताकि किते भी कोई एहो जी जगह ना रह जाए जिथे जिन्हों असी सजा ना सकीए। मैम अज गुंडागर्दी का भी जिहड़ा मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भी खास तौर पर चुकी है और उहदे वास्ते तुहाडा की प्लान है? देखें ये सिम साहब ने जो खास तौर पर मलेरकोटला में गुंडागर्दी का मामला उठाया है ये कहीं ना कहीं सीएम साहब की नॉलेज में मैं भी लेके आती रही हूँ, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे आप लोगों को भी पता है छोटे छोटे यहाँ पे गैंगस्टर्स हैं जो लोगों को परेशान करते रहते हैं, उनके लिए हमने पहले भी स्टेप उठाए हैं और अब भी हमने हमारा ये अहद है कि हम लोगों को किसी भी किस्म से परेशान नहीं होने देंगे। तो यहाँ से हर किस्म का जो माफिया है, माफिया ही कह लें कि किसी भी किस्म का माफिया है, उस पे नथ डाली जाएगी और साफ़ सुथरा मलेरकोटला किया जाएगा।
नहीं देखो पंज वो थोड़ा जा सीएम साहब नू कुछ ज़्यादा बधा चढ़ा के किसी ने दसता होना है, पर लेडीज़ अपनियाँ थोनू भी पता है सारियाँ आप पाँच बजे तो बाद भी एक दूजे के घर के बीच जाने आप मार्केट भी जाने ये तो हूँ लॉकडाउन है और करोना है वो वजह के नाल थोड़ा जा हैंगा के घरों बाहर कोई भी नहीं निकल रहा तो लेडीज़ नू एहो जा कोई खतरा नहीं है, पर यह खतरा जरूर हैगा जिमें कि एक हस्पताल के बीच ही एक वाकया होया थानू सारियां नू पता होना इन्ना शर्म नाल वाकया सीगा कि एक मुर्दा औरत दे कन्ना दे विचों बालियां उतारियां गईयां वो बहुत शर्मनाक वाकया सीगा, एहो जे वाक्य नहीं होने चाहिए इसलिए ये स्टैप उठाया जाएगा औरतों की हिफाजत की जाएगी हूँ सारिया असी औरत ही हाँ औरतों ये हौसला मिलेगा। मैं कर चुकी अपनी आवाज कि मैम तुम भी अज मलेरकोटला जिला जो पहली बार तेईव जिला बने पंजाब का तो ये पहले एस एस पी हो तो जो इसका पता लग गया तो की तुहाडे मन दे विच विचार आया जी? जिमें कि डीसी मैडम ने कहा मैं बहुत बहुत धनवादी हाँ पंजाब सरकार की कि सानू इस लायक समझिया कि मलेरकोटला जाके असी नवा जिला स्थापित कर सकीए। असी मलेरकोटला विच तीन दिन होके आ चुके हैं तो असी काम करना शुरू कर दिता है इन्हें सानू खुश नसीबी तो भाग ने तो असी कोशिश करांगे कि मलेरकोटला नू चंगा प्रशासन देिए। मैम जब तो तुहाडी मतलब पोस्टिंग दी इत्थे खबर आई सी तुहाडी फोटो वायरल हुई सी उहदे नाल लोगों के चर्चा कि तुसी ओ एस एच ओ नू सस्पेंड किया जिन्हें टोकरे दे विच लत मरी सी जी ते इहदे तो लोग अंदाजा ला रहे ने मतलब तुसी किस तरह दे अफसर हो इहदे बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो पुरानी गल हो चुकी है उस दिन जो भी घटना हुई बड़ी माड़ी घटना सी उस तो बाद बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके डी जी पी साहब वालों मेरे वालों सस्पेंड किया गया सी पर उस दे नाल नाल साढ़े पुलिस फोर्स होर भी बड़े चंगे अफसर ने बड़े चंगे मुलाजम ने जिहड़े दिन रात एक करके सारे लोगों की सेवा करते हैं तो एवें दे कुछ अफसर जिहड़ा माड़ा काम करदे उन्हां नूं पनिश भी किया जाता पर सानू पुलिस नूं चंगी छवि विच भी देखना चाहिए। मैम तुसीं एशिया की सब तो वड्डी ईदगाह दे विच खड़े हो जी इत्थे दे मलेरकोटला शहर के लोगों लई अज की संदेश देना चाहोगे? जिवें मैं कहा असी बड़ी खुशनसीबी समझते हाँ कि असी इत्थे आए अज इस एशिया की सब तो वड्डी ईदगाह च असी खड़े हाँ बहुत ही खूबसूरत आर्कीटेक्चर है तो सानू बहुत चंगा लगे इत्थे आके। मलेरकोटा वासियों नू मेरी यही संदेश है कि साडे वल्लों पूरी कोशिश रहेगी कि अमन कानून की स्थिति बनी रहे तो कोई भी अणसुखावी घटना ना वापरे। मेरी मलेरकोटला वासियों नू यही अपील है कोई भी प्रॉब्लम होंदी है तुसी पुलिस नू आके अप्रोच करो तो तुहाडी पूरी मदद करांगे। मैम मलेरकोटला पंजाब का तेईव जिला बनिया तो तुम ये पहले होने वाले डिप्टी कमिश्नर हो तो अज इतने ईदगाह पहुँचे हो तो की महसूस कर रहे हो? मैं अपने आप नूं बड़ी खुशकिस्मत समझ रही हूँ। मैनू फख्र भी है कि पंजाब सरकार ने मेरे अंदर ये काबिलियत देखी या समझी कि भी मैं इस ज़िले नूं वाकई इस्टैबलिश तो ऑपरेशनलाइज कर सकती हूँ। तो फिर मैं कल भी आई सी इत्थे ते अज मैडम एस एस पी दे नाल आई हां ते इत्थों दे जिहड़े थोड़े सारे रिस्पेक्टेबल बशिंदे हैं उन्हां सारयां नाल गल कीती मुफ्ती जी नूं मिली तो मैनूं इहदे बारे अहसास होया ते बड़ी खुशी होई ते ओ जज्बे दे नाल ही मैं कोशिश करूँगी कि इहनूं अच्छी तरह ज़िले वाइज इस्टैबलिश किया जाए। इत्थे आउण तों पहलां किद्दां दी मतलब मन दे विच जदों तुहानूं पता लग्गिया कि तुहाडी पोस्टिंग है जिहड़ी नवें बणे जिले मलेरकोटले च हो गई है की तुहाडे मन दे विच आया मलेरकोटले बारे की तुहानूं लग्गिया कि नवीं जगह जाणा की तजरबा रहा? मलेरकोटला कोई मेरे लिए एड्डी नवीं चीज़ नहीं है इत्थे किसी ना किसी संदर्भ च मैं आई जरूर हाँ इहदे नेड़े मैं पहली बार जदों SDM लगी सी धूरी लगी सी सो मलेरकोटले नाल मेरा वाह रहा उस तों पहलां भी जे मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहां भी मैं बचपन दे विच स्पोर्ट्स करती सी तो साढ़े जिन्हें जदों असी कोई इंडिया कलर वगैरह जो भी है वो इत्थों दे ही जड़े कारीगर है उन्हां दे ही बने हुए ब्लेजर्स दे उत्ते लगते सी ते वो पा के मैं सो मेरी एसोसीएशन मलेरकोटले नाल काफ़ी पुरानी है। साइकिलिंग दे विच तुसी विश्व चैंपियन हो जी उहदे लई जिहड़ा हैगा तुहाडा एक तजर्बा पूरे वर्ल्ड लैवल दे चैंपियन होना बहुत वड्डी गल है तो इहदे संदर्भ दे विच तुसी साडे मलेरकोटला वासियां लई खास तौर ते की संदेश देना चाहोगे? मैनू लगता भी अज की डेट च मैं ये महसूस करती हूँ मैं तो बहुत पुरानी स्पोर्ट्स परसन होगी
पर मैं चाहूँगी कि जिहड़ी अज दी साडी जनरेशन है वह थोड़ी ज़्यादा सोशल मीडिया या इलैक्ट्रॉनिक आले पासे नूं ज़्यादा बिजी होगी तो फिजिकल एग्जर्शन घट गए तो सेहत खराब हो रही है। सो हर बंदे नूं, जरूरी नहीं हर बंदा चैंपियन बने पर हर बंदा स्पोर्ट्स परसन जरूर बन सकता, कोई ना कोई स्पोर्ट्स हर बंदे नूं टेकअप करनी चाहिए है अच्छी जिंदगी जीण लई। तो जिवें कि तुसीं वेख्या कि किवें मीडिया नाल जब गलबात की तो किवें उन्हां दे एक मन विच माण महसूस हो रहा सी ते एक होर पंजाब ने एक साबित कर दिता है कि साडियां धीआं ने वह किसी तो भी घट नहीं ने ते एक इतिहास भी रच दिता है ते काफ़ी माण वाली गल है। तुहानू भी माण हो रहा होगा अपने पंजाब ते अपने पंजाब दीआं धीआं ते काफ़ी देखण वाली गल होगी कि मलेरकोटला इन्हां दी हाई कमांड के अंडर किवें काम करेगा। होर इहो जिहे अपडेट्स लई तुसीं वेखदे रहो लुधियाना टाइम्स।